मुंगेली जिले की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की मनमानी के चलते किसानों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल किसानों का आरोप है कि कृषि मंडी बोर्ड द्वारा किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, बावजूद इसके स्थानीय व्यापारियों की मिली भगत से सभी नियमों को ताक पर रखकर फसलों को औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है। किसानों द्वारा मामले की शिकायत कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से की गई है, जिसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम का कहना है कि किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही जो व्यापारी किसानों के साथ मनमानी करेगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हमला का है, हमला फिक्स रेट चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी कहीं मंडी में अपन मनमानी सबके चलते। यहाँ कोखरो है नहीं है कि कौन मनमानी करती है, मनमानी है सबसे कौन, यहाँ सब सेट करी जो खरीदारी रेट है हवा नहीं। कोई बोली है एक भाखा बोली 1500 से 1200 बोली, माने 1200 जाना है। आढ़त का सब आढ़त सब सेट भी लेते हैं, जिन खरीदी करते 1200 रुपये में खरीदी हुआ थी, 1200 रुपये खरीदी 1200 रेट जाए तो खबर फिर आढ़त कटी। इस संबंध में अभी आपसे जानकारी ये प्राप्त हुई है तो वहाँ पे क्योंकि अढ़तिया सिस्टम चालू है और किसान जो समिति पे पंजीयन नहीं करा पाए हैं या वहाँ पे धान बिक्री नहीं कर पाए हैं, वो मंडी पे धान बेचने के लिए आते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो हम इसकी जांच कराकर अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसान को उसके धान का उसके फसल का सही कीमत उसको वहाँ पर मिल पाए।